दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉगपीडिया में। हमारे डॉग वर्सेस डॉग सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पग वर्सेस पामोलियन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको डॉग फूड, डॉग शैम्पू या फिर डॉग से रिलेटेड कोई भी चीज चाहिए हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी है। आप उन लिंक पर क्लिक करके वो सारी चीजें आप अपने डॉग के लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, पग और पामोलियन ये दोनों ही डॉग ब्रीड इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। बहुत से घरों में लोग पग और पामोलियन को एज ए पेट अपने घर पर रखते हैं, क्योंकि ये दोनों भी स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है और इजी टू मेंटेन है। पामोलियन का ओरिजिन जर्मनी और पोमेरेनियन एक रीचर से है, यानी पॉप पॉप और पॉम जैसे नामों से भी जाना जाता है। पग बहुत सी पुरानी डॉग ब्रीड में से एक है और इनमें चाइनीज पग, डच मैस्टिव और मिनी मैस्टिव नामों से भी बुलाया जाता है। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं इन दोनों में से फैमिली डॉग कौन सा है। पग और पामोलियन दोनों ही स्मॉल साइज के डॉग ब्रीड है और ये दोनों डॉग्स फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये छोटे बच्चों के साथ भी इजीली रह सकते हैं, और अगर आप इन्हें बचपन से ही बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ रख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे कंपेनियन बन सकते हैं। पामोलियन डॉग को वॉच डॉग जैसे कामों के लिए भी इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी हाइट के बारे में। पग की हाइट 10 इंचेस से लेकर 12 इंचेस तक हो सकती है और पामोलियन डॉग की हाइट 8 इंचेस से लेकर 10 इंचेस तक इजीली हो सकती है। हाइट के बारे में, पग पामोलियन से थोड़े बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके वेट के बारे में। पग का वेट अराउंड 6 kg से 8 kg तक हो सकता है, लेकिन कुछ पग ज्यादा फैट गेन कर लेते हैं और वो ओवरवेट होके 12 kg से भी ज्यादा वजन गेन करते हैं। और पोमेरेनियन के वेट की बात करें तो पोमेरेनियन का वेट 4 kg से 7 kg तक होता है। अब हम बात करते हैं एडेप्टिलिटी के बारे में। पग और पोमेरेनियन दोनों स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के घरों में इजीली रह सकते हैं, लेकिन पामोरेनियन पग के मुकाबले इंडियन वेदर कंडीशन को ज्यादा अच्छी तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो गर्म वेदर हो या फिर ठंडा वेदर हो। लेकिन आप पग को ज्यादा ह्यूमिड जगह वाली सिटीज पर रखेंगे तो वो कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल के बारे में। दोस्तों, पामोलियन का एनर्जी लेवल पग के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि पामोरेनियन थोड़े एथलेटिक होते हैं। इन्हें बच्चों के साथ खेलना और बाहर घूमना बहुत ही पसंद होता है। पग और पामोरेनियन दोनों को ही रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि अपने बॉडी को मेंटेन रख सके। अगर आप पग को रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो वो बहुत ही जल्दी अपने बॉडी पर फैट गेन कर लेगा। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के बारे में। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो आप पोमेरेनियन को बहुत ही इजीली ट्रेन कर सकते हैं और आप इन्हें अपने घर पर एज अ वॉच डॉग भी रख सकते हैं, ताकि जब कोई स्ट्रेंजर आपके घर पे आए ताकि ये आपको अलर्ट कर सके। दूसरी डॉग्स की तरह पग और पोमेरेनियन को भी अच्छी सोशलाइजेशन की जरूरत होती है, लेकिन वैसे तो ये एग्रेसिव नहीं होते हैं। लेकिन ये अच्छा होगा कि आप इन्हें बचपन से ही छोटे डॉग या फिर बड़े डॉग के साथ सोशलाइज कराएं। पग के एवरेज लाइफ स्पैन 12 से लेकर 15 ईयर्स तक हो सकती है और पामोरेनियन के एवरेज लाइफ स्पैन 12 से लेकर 16 ईयर्स तक हो सकती है। पग आपको इंडिया में अराउंड 8,000 से लेकर 12,000 की रेंज में इजीली मिल जाएंगे और पामोरेनियन की प्राइस इंडिया में 4,000 से लेकर 6,000 की रेंज में आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड पग और पामोरेनियन के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।